ये मध्य प्रदेश में अभी पुलिस ने इंक्वायरी शुरू किया है, जो रिक्रूटमेंट स्कैम है। ये जो इंक्वायरी शुरू हुआ है, ये आपके कंप्लेंट के बाद ये हुआ था। तो आपको इस स्कैम के बारे में सूचना कैसे मिली, और इस स्कैम के बारे में थोड़ा विस्तार में समझाइए हमें। जी, मेरे सोर्सेस के द्वारा मुझे बताया गया था कि जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में जो एक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, उसमें कई सारे रिक्रूटमेंट हुए हैं। जैसे उसमें पैरामेडिकल एंड स्टाफ नर्सेस के रिक्रूटमेंट हुआ है। उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरा इलीगल तरीके से, मतलब जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट किया गया। वो सारे प्रोसेस के डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग मिनट्स मेरे को मेरे सोर्सेस के द्वारा प्रोवाइड कराए गए। जब वो सारे डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कराए गए, तो उसका जब मेरे द्वारा स्टडी किया गया, तो ये सारे फैक्ट फाइंडिंग मेरे सामने आई, जिसके बाद मेरे द्वारा ये सारे फैक्ट अपने संज्ञान में आने पर इस सब के संबंध में जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं, स्टेट की चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, इन सबको कंप्लेन किया गया, और मेडिकल कॉलेज जो ऑटोनॉमी बॉडी है उसके जो चेयरमैन है उनको भी कंप्लेन किया गया। लेकिन उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेने पर, इन एक्शन की सिचुएशन में मेरे द्वारा इस पूरे मामले में पुलिस कंप्लेन की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में इंक्वायरी शुरू की गई है। दतिया मेडिकल कॉलेज एंड ग्वालियर मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेजेस का स्टाफ नर्स एंड पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुई थी 2021 एंड 2022, मतलब 2021 और 20 के लिए प्रोसेस शुरू हुआ था। जिस प्रोसेस में इनके द्वारा, मतलब अनडिजर्विंग कैंडिडेट को अनड्यू फेवर करते हुए, करप्शन करके अनडिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया, इस पूरी प्रोसेस में इलीगल प्रोसेस के से इनका सिलेक्शन किया गया। मतलब जो लीगल गवर्नमेंट प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग और फैक्ट ये है कि जब इस पूरे मामले पर इंक्वायरी स्टार्ट हुई, तो गवर्नमेंट को रिप्लाई देते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन, कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है या जिन लोग जो लोग सिलेक्शन से बाहर हो गए, उनको 2029 2029 तक हम ज्वाइन कराने का या नौकरी देने की कोशिश करेंगे। मतलब भविष्य की एक बात कर दी जो कि संभव नहीं है। जब आप बोलते हैं कि इलीगल रिक्रूटमेंट हुआ है, रॉन्ग डूइंग हुआ है, तो ऐसे क्या था ये मध्य प्रदेश में अभी पुलिस ने इंक्वायरी शुरू किया है, जो रिक्रूटमेंट स्कैम है, वायलेशन इसमें हुआ है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कुछ सारे नॉर्म्स थे जो भर्ती के लिए बनाए गए थे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, तो सबसे पहले उनके गवर्नमेंट का एक 2002 में एक सर्कुलर आया था, सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी का। उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग भर्तियां की जानी चाहिए थी, उस सर्कुलर का पालन नहीं हुआ, उसका वायलेशन किया गया। उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन रोस्टर है, वो रिजर्वेशन रोस्टर का वायलेशन हुआ। दूसरी एक बात करें, तो इसमें जो बेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको लाभ देने के लिए, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, उन सिलेक्ट कैंडिडेट को सूचना नहीं दी गई, जिससे कि सिलेक्ट कैंडिडेट मतलब ज्वाइनिंग के लिए नहीं आ पाए, क्योंकि बेटिंग कैंडिडेट से इनके द्वारा पैसे ले लिए गए थे जो भी। तीसरा, कई सारे मामलों में ये भी आया जिनमें इनके द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस की लिस्ट जारी कर दी गई, उनमें सिलेक्शन कमेटी के मेंबर द्वारा ही सिलेक्शन पर कई सारे सवालिया निशान उठाए गए, और उनके द्वारा सिलेक्शन की प्रोसेस पर साइन करने से मना कर दिए गए। उसके बावजूद भी जो 5 सदस्यीय कमेटी थी, उस 5 सदस्यीय कमेटी में से 3 या 4 लोगों ने साइन नहीं किए, फिर भी सिंगल साइनिंग अथॉरिटी ने उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए। ये सारे इलीगलिटीज इस पूरी प्रोसेस में हुई हैं, जो कि सारी चीजें डॉक्यूमेंट पर प्रूव है। तो ये एक एक होता है एलिगेशंस, जो हाँ कोई भी किसी के खिलाफ एलिगेशंस लेवल कर सकते हैं, पर दूसरा होता है प्रूफ। आप जो कहते हैं कि आपके पास जो एविडेंस है, क्या ये गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स है? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने इंक्वायरी शुरू किया है, क्या आपने ये सारे, आपके पास जो भी एविडेंस है, क्या पुलिस ने आपसे एविडेंसेस मांगे हैं? और अभी पुलिस की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसका स्टेटस क्या है? पुलिस ने मुझसे इंक्वायरी के दौरान, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने जो एक्यूज पर्सन है डॉक्टर समीर गुप्ता, उनको भी नोटिस जारी किया है, और अन्य कई सारे लोगों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे पास हैं, वो मैं पुलिस को अभी भी और जांच के दौरान, जब भी पुलिस या जांच एजेंसी कोई भी लेना चाहे, उसको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कराने के लिए रेडी हूँ। दतिया मेडिकल कॉलेज के डीन को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन स्टार्ट नहीं किया गया, कोई इंक्वायरी स्टार्ट नहीं की गई है। पूरे मामले को सरकार दबाने के लिए लगी हुई है, सिर्फ उनको पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डीन को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में शामिल है और सरकार के लोगों द्वारा एक घोटाला किया जा रहा है, इसलिए सरकार लगातार डीन मेडिकल कॉलेज को संरक्षण देने का काम कर रही है। सरकार की साइड से इस पूरे मामले में जब स्कैम सामने आ गया, तो इस पूरी भर्ती को इनके द्वारा रोककर नए सिरे से भर्ती पे, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को जारी करना चाहिए था, और सारे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्शन प्रोसेस कराना चाहिए था। और जिन लोगों के कारण इलीगल सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है,
उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल दोनों ही एक्शन इनके लेने चाहिए।